हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते आज दे सदी मुशान और फकीदुल मिसाल खुतबा जुमा दे अंदर इंशाअल्लाहु रहमान अल्लाह अरहमुर रहीमीन दी अता करदा तौफीक दे नाल जिस तरह तुसा तमाम अहबाब नो इस बात का बखूबी इलम है अज 12 रबीउल अव्वल है जिस दिन अज तो 1400 साल पहले वो शख्सियत दुनिया तो चली गई जिन्ना दी असमत जिन्ना दी शान जिन्ना दा मुकाम खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने बयान फरमाया और अल्लाह पाक ने आप दे जिक्र नू भी बुलंद फरमाया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर और सारी कायनात दे रहबर ते रहनमा नबियां दे इमाम हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इस दुनिया तो चले गए आपदा नजूल भी बरहक आपदा दुनिया उते एक एक सेकंड एक एक लम्हा गुजारना इतना बाबरकत पैदाइश तो लेके वफात तक पकीदा लम्हात आपने गुजारे ये अल्फाज मैं नहीं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहोने के आप दे चार पाई पहिए आप दे चेहरे पाक तो चादर पीछे हटा के सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने आप दे सर पाक नू बोसा दिता तो फरमाया सोनिया तुसी अपनी जिंदगी विच भी पाक सी मौत तो बाद भी बोलो पाक सी सुभान अल्लाह। और उलमाए हक दी मेहनत दे नाल खसूसन अहले हदीस देवबंदी उलमा ने भी बड़ा किरदार अदा कीता और बरेलवी उलमा दे विचों भी जड़े ज़ई शऊर सन अकर रखन वाले शऊर रखन वाले उन्हां दी मेहनत दे नाल अलहम्दुलिल्लाह इस साल मुसलमानां दे बहुत सारे नौजवान बच्चे बूढ़े
जड़ी बिदत कई साल तो चलती आ रही है, उन्हों ब्रेक लगती जा रही है। दुआए फरमाओ अल्लाह पाक नबी पाक दिया सुनता नू गलबा अता फरमाए और बिदात तो पाकिस्तान नू पाक फरमाए। गलियां सजानिया हू हू दे आवाजे लगाने ये कम अकली दी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत नू अपनाना अकलमंदी दी निशानी है। दुआए फरमाओ अल्लाह नबी पाक दी हर सुन्नत उते अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। लो हक दी बात इंशाअल्लाह रहमान कयामत तक अहले हक सुनांदे ही रहेंगे। अल्लाह तमाम अहले हक उलमा दी हिफाजत फरमाए और दीन इस्लाम नू अल्लाह पाक गलबा अता फरमाए। जे सूरत नू मैं इस वक्त तिलावत कीता जुमे दा टाइम बड़ा मुख्तसर जे हमदा गौर फरमाना इन दे अंदर अल्लाह पाक ने दो बातां दी निशानदही फरमा के और एक बात वाल तुहाडे ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह पाक ने मजीद इस बात वल सोने पैगंबर दी तवज्जो करवाई है। सुभान अल्लाह। पहली बात कि ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने तुहानू गलबा अता फरमाया, अरब दी नकेल इस्लाम दे हाथ विच आ चुकी है। सुभान अल्लाह। लोग फौज दर फौज काफले दर काफले इस्लाम विच सोणिया दाखिल हुंदे जा रहे ने और अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम नू गलबा अता फरमाया। तो मेरे आका नू अल्लाह फरमा रहे ने सोणिया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। सोणिया जड़ी नेमत इस्लाम वाली असा तुहाडे ते मुकम्मल फरमाई है और दीन इस्लाम नू पसंद फरमाया और ये नेमत मुकम्मल होने तो बाद सोणिया तुहाडियां ड्यूटियां मुकम्मल हो गई ने। हुण अपने अल्लाह दी बहुती हमद बयान करया करो और अल्लाह पाक कोलों बख्शिश ते इस्तगफार करया करो, यानी बख्शिश मंगया करो, अल्लाह पाक वल बार बार रुजू करया करो। सुबहान अल्लाह। मेरा यकीन ते ईमान है सोने नबी दी कोई खता नहीं गलती नहीं और दीन इस्लाम पहुँचाण विच आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इससे बावजूद अल्लाह पाक हुक्म सादर फरमा रहे ने सोनिया अल्लाह दियाँ बहुतियाँ हमदा बयान करया करो, अल्लाह को बहुत इस्तगफार करया करो। एक एक सूरत और कुरान पाक दी ओ आयात मुबारका लो कुरान सुन लो ते ईमान ताज़ा फरमा लो। मेरे आका ने जिंदगी पाक दे अंदर कई उम्रे अदा फरमाए ने, हज इको ही कीता जिन्हों हज्जतुल विदा आख्या जांदा है। आप अरफात दे मैदान विच खड़े ने, आसमान तो जबरील आए और कुरान पाक दी इस आयात मुबारका नू लेके आए ने। सुन लो ते सीने ठार लो इंशाअल्लाह रहमान तुहाडियां हंदेर नगरियां कुरान दी रोशनी नल हाय रोशन हो जाणगियां। तुहाडी बंजर जमीन ईमान दी सीने वाली कुरान सुन के शादाब शराब हो जाएगी। लो कुरान सुनो ते ईमान ताज़ा फरमा लो, अपने सीने ठार लो। अल्लाह फरमांदे ने आले यौमा अकमल तुलकुम दीनकुम, आले यौमा अकमल तुलकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ितु लकुमुल इस्लाम दीना। सोनिया
असा तुहाडे ते अपना दीन मुकम्मल फरमा दिता और दीन इस्लाम नू पसंद भी फरमा लिया। सुभान अल्लाह। ओ फैसलाबादिया समनाबाद दे रहन वाले आ और किताब ओ सुन्नत नाल प्यार करने वाले और कुदस मस्जिद विच आने वाले पैगाम सुन ले। कुरान दी आखिरी आयात मुबारक नाजल हो गई है और मेरे आका आगे बड़े ने, मेरे आका मीना विच खड़े ने, अयामे तशरीक दे अयाम गुजर रहे ने। कुरान दिया सूरतां विचों जड़ी आखिरी सूरत नाजल हुई है सुन्ना ते अनल इज़ा जाओ अनासुरुल्लाहि वल फतु वराईतन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ए सोनिया असा तुहानू फतह अता फरमा दीती है, अल्लाह पाक ने मदद फरमाई है। लोग जड़े ने शौक नल काफलियां दी शक्ल दे अंदर इस्लाम अंदर दाखिल होंदे जा रहे ने। तुसी अल्लाह पाक दी बहुती हमद बयान करया करो, अल्लाह पाक कोलो बहुती इस्तगफार करया करो। सुभान अल्लाह। आओ ना जरा सुन्ना ते अल अल्लाह पाक ने एक ज़ाबता बनाए, जड़ा भी इंसान दुनिया ते आए उन्हें हमेशा इस दुनिया ते नहीं रहना। कईयां नूं अल्लाह पाक ने एक 100 साल जिंदगी अता फरमाई है, कईयां नूं अल्लाह ने 1000 साल जिंदगी अता फरमाई है, कईयां नूं अल्लाह ने 10000 साल जिंदगी अता फरमाई है। लेकिन अल्लाह पाक दे कुरान दा साबता सुनो ना, मैं जिस बात वल तुहाडी तवज्जो करवाना चाहना। सूरत दा नाम सूरा अंबिया है, कुरान दा 17वां पारा है। ओ कुरान दे ओ परवाने ओ कुरान सुनना और अपना ईमान ताज़ा फरमाना। अल्लाह तुहानू कुरान दी मुहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक ने जड़ा साबता बनाए। अल्लाह फरमांदे ने वा मा जअलना लिबशरी मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ा इन मिता फ़हुमुल ख़ालिदून। نفسٍ ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون। अल्लाह पाक ने सोने पैगंबर ते कुरान नाज़ल फरमाया, सोनिया असी इस दुनिया उते किसे इंसान नू हमेशा नहीं रखिया, भेजे ने ते वापस बुला लैने। तुहाडे तो पहला भी नबी आए सन, हाय नबी आदम आए सन वापस चले गए सन, प्यारे नू आए सन वापस चले गए सन, इब्राहिम खलीलुर रहमान आए सन वापस चले गए सन, प्यारे इस्माइल आए सन वापस चले गए सन, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए सन वापस चले गए सन, यकूब पैगंबर जिन्ना दे बेटियां दी फौज मौजूद है आए सन ते वापस चले गए सन, और प्यारे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने जिंदा आसमान ते उठाए। अल्लाह पाक ने उन्हां दे बारे भी ऐलान फरमाए, कुर्बे कयामत नाजल होंगे, मौत दा सैका चखणगे, वो भी वफात पा जाणगे। लो मैं तुहाडी नबियां नाल मुलाकात करवाण लगा और कुरान दा कानून ते दस्तूर तुहाडे सामने ले आउण लगा। कुरान दा पहला पारा निकल आया, अल्लाह ने एक नबी दी मौत दा जिक्र फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने आम कुन तुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ काल लिबनी मा ताबदून मिन बादी कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाका इलाहा वाहिदा
वाना नोलाओ मुस्लिम उस वक्त कोल सी जद यकूब पैगंबर मौत का पैगाम आया और एक होर नबी की मौत में इशारे दे लगा कुरान दे गौर फरमाना एक होर नबी की मौत अल्लाह ने कुरान अंदर जिक्र फरमाए या यहया खुज़िल किताब बिकुवा व आतैना हुल हुक्म सबिया व हनानम मिन लदुल्ला व सकादम وَكَانَتْ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ वायुमा युग असुहैया एक होर नबी का जिक्र कर लगा कौल इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुंतु वाउसानी बिस्सलाति वस्सकाति मा दुमतु برم بوالدتی ولم یکن جبارن اسیا ہے وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث अल्लाह ने नबिया के नाम लैके उन्होंने बारे दसिया आए सन इन्हों मौत का पैगाम आया एक नबी है बड़िया शाना वाला बड़िया अजमत वाला अल्लाह पाक ने निया रहमत फरमाइया ने आहवा भी नबी दे हुक्म दे ताबे कर दी है सुभान अल्लाह और नबी जिन्हों दिया बोलियां दरिंदा परिंदा दिया बोलियां जानद और जिमें अल्लाह पाक दुनिया ते पे जन दे कादर ने अल्लाह ने साबता बनाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर जान ने मौत दा ज़ायका चखना ही चखना है किस ज़ात नु बकाए किन्ने हमेशा रहने कुल्लु मन अलैहा फ़ानियुं व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इक़राम हमेशा किन्ने रहना ऊचे बोलो हमेशा किस जात ने रहना ये नबी खलोता है अल्लाह दा कर तमीर हो रहा है जिन्ना दी ड्यूटी लगा दीती है ते अल्लाह पाक ने मौत दा हुक्म सादर फरमा दिता है मौत दा पैगाम आ गया मौत किसे दियां लोड़ा थोड़ा नहीं जेवेंदी फलम्मा कसैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम आला मौत ही इल्ला दाब्बतुल अर्दी ताकुलु मिन सातहु फलम्मा खर्रत बैयनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यालमूनल गैब मा लबिसु फिल अज़ाबिल मुही सुलेमान नू मौत दा हुक्म किन्ने भेजे है ताकता ते कुवता बड़िया ने लेकिन अल्लाह पाक ने मौत को इस्तिस्ना नहीं दिता नबी सुलेमान नू मौत आ गई है ऐ जी समझण है आप दा लाठी नाल खड़ा रहिंदा है जमीन विचों कीड़ा निकलदा है लाठी नू लग जांदा है ते लाठी टुट जांदी है जिसमें अतहर जमीन ते गिर जांदा है ते जड़े जिन ने कहिंदे ने हाए अफसोस असीं गैब जानते होंगे ऐ मुसीबत में ना फसे रहिंदे यानी जिन भी गैब जानते वो भी मुगालते विच रह वो मुगालते कौन दूर कर दे उच्ची बोलो मेरे हाथ में की है और मुगालते कौन दूर कर दे आखो कुरान मुगालते कौन दूर कर दे
कुरान दा ना लगो, कुरान वाले हो ना के झंडिया वाले बत्तियां वाले हो, मुगाल ते कौन दूर कर दे। इंशाल्लाह मैं इत्थे गल कुरान ते लियोनी है, बुलंद आवाज नाल बोलो, अकीदे दुरुस्त कौन कर दे? कुरान मुगाल ते दूर कौन कर दे? नबी वली होर आलम फाजल ओ गुजरे ने चंग चंगे रे, शागदा होर बुरे पले वो सब की तेनी कबरी डेरे, आचार दहाड़े इधरा दिल है ना, आचार दहाड़े ओ कोयल वासा उड़ के थो जाना, ओ कर कुछ फिकर कबर कयामत ओ जिथे ने ठिकाना, ओ लुकया छुपया मौत ना छोड़े, ओ लुकया इधर वाले हो बात सेन वाले हो, ओ लुकया छुपया मौत ना छोड़े ओ जिथे ओवे के रे, हल बनाओ ओ किले या कोट चंगे रे, बोले इन्नल मौत लादी तफिरू ना मिनो फाइनहु मुलाकी गुम सुम्मत वर्दुना एलावाली मिल गई भी व शहादती फायो नबियो गुम बीमा कौन तुम तमालूम। है मेरे सुनिया ऐलान कर दे ओ इस मौत ना तुहाड़ी मुलाकात हो गई रहनी है, नठ लो भज लो किथे जाना जे ओ जिथे भी जाओगे फाइनल मुलाकी गुम इंदे नाल तुहाड़ी मुलाकात हो के रहनी है, और तुसा अपने रब दे सामने पेश होना जड़ा तुहाड़ियां लुकियां छुपियां गल्लां जानदा है, और तुहाड़े अमाल दा पूरा पूरा बदला भी दिता जाएगा। लो अज साबता बन लगे तेरे ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका दी जिंदगी दे अयाम गुजरे, मेरे आका दी 63 साल उम्र चली है, ये करीब करीब हुंदे आ मेरे आका ने आखरी हज अदा फरमाया जिन्हों हजातुल विदा आख्या जांदा है, मेरे आका हज करके मदीने वापस आए ने, अम्मा जी ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मुसकिया फरमांदियां ने के सोने पैगंबर अपने रुकू दे अंदर अपने सजदे दे अंदर आंदे ने सुभान اللہم ربنا وبحمدی کا اللہم اغفر لی او تو وڈیرا ہو گئے کئی وڈیرے ہو جاندے نے تاش نہ دلا لیندے نے کئی وڈیرے ہو جاندے نے بڈے ہو جاندے نے چوکاں وچ ٹائم ضائع کر لیندے نے اے بڑھاپا تے موت دا پیغام اے اگر اللہ نے تینوں زندگی دتی اے اللہ نے تینوں صحت دتی اے یعنی بڑھاپے اندر وی تیرے ادا سلامت نے ਉਹ ਕਦੋਂ ਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲਲਾ ਸੱਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਖਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੈਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਮੁਸਕੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਰਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਹਮਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਬੀ ਬੀ ਹਮਦੇ ਰੱਬੇ ਕਾ ਵਸਤਾਗਫਿਰੂ ਇਨਹੁ ਕਾਨਾ ਤਵਾਬਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹਮਦ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਰਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਰੱਬਨਾ ਵਾਬੀ ਹਮਦੇ ਕਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਵਫਿਰ ਲੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਵਫਿਰ ਲੀ। ਆ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ, ਦਿਲ ਹਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੁਹਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਹਰਮ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨਾ ਸੀਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 27 ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 29 ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲੇ
मेरे आका अपने एक सहाबी नु नाल लेंदे ने करीबी कब्रस्तान है जिन्नू जन्नतुल बकी आखिया जांदा है उथे जाके मेरे आका फौज शुदवान वास्ते दुआ करदे ने एले हदीस दा के दसन ओ कब्रां वालियां वास्ते जाके दुआ करना मेरे नबी दी सुन्नत है दीवे जलाना फुल उते पाना चादरां पानियां सजदे करने हराम ने मेरे आका उथे जाके फौज शुदवान वास्ते दुआ कर देने अल्लाह तेरे नेक बंदे तेरे कोल आ गए ने इन्हां नूं माफ कर दे इन्हां दे दरजात बुलंद कर दे ओ तुसीं वी कब्रस्तान जाया करो दुआ करया करो और जाना मेरे आका दी सुन्नत है मेरे आका कब्रस्तान विचों बाहर निकले ने इस सहाबी गुलाम नाल ते मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह ने अपने एक बंदे नूं इख्तियार दित्ता है उहदे सामने दुनिया दी ज़ैबो ज़ीनत है उहदे सामने दुनिया दे खजाने ने एक पासे अल्लाह दी मुलाकात है सुभान अल्लाह उस बंदे ने अपने अल्लाह दी मुलाकात नूं पसंद फरमा लिया सुभान अल्लाह और मेरे आका निकले ते सर पाग विच दर्द शुरू हो जांदा है मेरे आका अपने घर विच तशरीफ ले आए ने अगे अम्मा जी ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मुज़किया फरमांदियां ने सोनिया मेरे सिर विच भी दर्द हो रहा है ते आका फरमांदे ने मेरी ऐशा अगर मेरी जिंदगी विच तू फौत हो जाए मैं तेनू गुसल भी आप देआं कफन भी आप पहनावा मैं तेरा जनाजा भी आप पढ़ा तेनू कब्र विच भी आप उतारा ते अम्मा जान फरमांदियां ने सोनिया अगर मैं फौत हो गई इस कमरे अंदर होर दुल्हन आ जाएगी मेरे आका मुस्कुरा पैंदे ने सुभान अल्लाह तबसम फरमांदे ने इधर मेरे आका दी बीमारी फाती जांदी है सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह पाक दे फैसले ने कि मेरे आका दी तकलीफ बढ़ती जा रही है एक वेला ऐसा भी आंदा है मेरे आका नूं इन्ना तेज बुखार हो जांदा है एक सहाबी आप दे जिस्मे अतहर नूं हथ लांदा है सुनिया तुहानूं ते दो बंदिया जिन्ना बुखार है मेरे आका फरमांदे ने ओ मेरे सहाबी जिवें मेरी शान बहुती है जिवें मेरा मुकाम बहुता है एवें मेरी आजमैश भी बहुती है अल्लाहु अकबर कबीरा और मेरे आका एक दो दिन तो इलावा कोई नमाज मस्जिद तो बाहे घर नहीं पढ़ी तकलीफ इन्नी बढ़ गई है मेरे आका मुसलसल मस्जिद विच आ रहे ने बुखार तेज हुंदा जा रहा है एक दिन आए जुमेरात दा दिन है मगरब दी नमाज मेरे आका ने पढ़ाई है जदो इशा दा वक्त करीब आंदा है मेरे आका उठदे ने बेहोशी दा आलमदारी हो जांदा है सुन बारा रबीउल अव्वल वाले दिन की होया तू ते झंडियां बत्तियां ला के जश्न मना लै ने जालिमा बेईमाना जरा तारीख दा मुतालिया ते कर मदीने वल नजरां ते पा और सहाबा वल ते वेख सहाबा किन्ने गमजदा ने अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे आका नूं बुखार इन्ना चढ़े मेरे आका फरमांदे ने इक टप मंगवाओ इक टप मंगवाया जांदा है उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा दे घर विचों ओह टप मंगवा के मेरे आका नूं बिठाया जांदा है सत मशकां पानी दियां उपर गिराईयां जांदियां ने ते मेरे आका फरमांदे ने बस करो जिवें डाक्टर ते हकीम किसे मरीज़ नूं बुखार हो जाए आंदे ने इहनूं बर्फ दियां पट्टियां करो ये गल मेरे नबी कोल मिली छे अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे आका दी बुखार दी शिद्दत कम हुंदी है मेरे आका फिर उठन दी कोशिश करदे ने फिर गशीदा आलमदारी हो जांदा है फिर होश आए बुखारी शरीफ दे अल्फाज ने मेरे आका फरमांदे ने मरू अबा बकर फालियो सली बिन्नास अबू बकर नु कहो लोगों नमाज पढ़ान अम्मा जी ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मुसकियां दियां ने मैं हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नु आखिया मेरे अबू दा दिल नरम है सुनिया तुसी किसे होर नु कह दियो ते मेरे आका बार बार कह रहे ने मरू अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास
ਔਲਾਦ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜਮਾਤ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਏ, ਖਲੀਫਾ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਝੁਠਲਾਏ? ਜਿਹੜਾ ਝੁਠਲਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ? ਮਰੂ ਅਬਾ ਬਕਰ ਹਲੇ ਉਸਲੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਮਾਤ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏ? ਅਬੂ ਬਕਰ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਕਵੋ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਏ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਏ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬੋਲੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਅਲੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਰਿਜਰਾ ਹੋ ਯਾ ਜੁਰਾਨ ਅਰਜ਼ਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਹੈ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਸੀੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕੁਵਤ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਿੰਬਰ ਪਾਕ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਜ਼ਾਰੋ ਕੇ ਤਾਰ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਖਿਆ ਵਡੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਫਰਾਸਤ ਸੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਮਝੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਆਉਣੇ ਗੌਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਲਈਏ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਦੀ ਵਾਰੀ ਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਦੀ ਵਾਰੀ ਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਦੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਵਾਜ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਕਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਮੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਹਜਾਤੁਲ ਵਿਦਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਮਰਾ ਉਕਬਾ ਦੇ ਪਾਸ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆਇੰਦਾ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਸੁਣੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਹਰ ਸਾਲ ਜਬਰੀਲ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਨੇ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਦੌਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਮਨ ਵੱਲ ਮੁਬੱਲਗ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਆਜ਼ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਏ।
मुआद तू वापस आए शायद तेरी मेरी मुलाकात ना होए। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे तेरा मेरे आका मिंबर पाक दे तशरीफ फरमाने आ फरमा रहे ने अगर किसे ते मेरे को ज्याती हो गई होए आके बदला ली लवे सुभान अल्लाह। एक ऐसी पकीज़ा हस्ती कह रही है ओ मियां ऐसी जिंदगी बसर कर किसे नु तेरे को तकलीफ ना होए। मेरे आका ने जदो आखे एक सिया भी उठे आंदा सुने एक मौके दे तुसा मेनू छड़ी मारी थी। मेरे आका ने फरमाया छड़ी ले आओ ऐसे आबी करीब होया हजरत उमर दा गुस्से नाल हाथ कंबदा जांदा है। ए केड़ा किस मौके ते अगे बढ़दा जा रहा है करीब होया ते कहिंदा सोणिया जदों तुसा मैनू छड़ी मारी सी मेरे जिस्म ते कपड़ा नहीं सी। मेरे आका ने अपनी कमीज पिछे कर ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे आबी अगे बढ़दा है आ छड़ी जमीन दे सुट दिंदा आप दे जिस्मे पाक नू चुमना शुरू कर दिंदा चुमना शुरू कर दिंदा। सोणिया मैं ते बहाना बनाया सी तुहाडे जिस्म नू चुम लवां सुभान अल्लाह। मेरे आगा फरमांदे ने तू बहाना बनाया लेकिन मुहम्मद बदला देन वास्ते तैयार हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका दम मस्जिद में आखरी फेर है। मेरे आका वापस घर गए ने फिर दोबारा मस्जिद में आने का मौका नहीं मिलया। अगे सोमवार का दिन बारह रबीउल अव्वल का दिन आ जाता है और तेरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज जदों करीब हुई है फजर की जमात हो रही है आपने पर्दा पीछे हटाया और अबू बकर नू जमात करवा दिया वेखे और सहाबा नू पीछे नमाज पढ़ दिया वेखे ते मेरे आका दे चेहरे ते मुस्कुरा हटाई। हजरत अनस बयान कर दे ने नबी पाक दा चेहरा नजर आए जिवें कुरान दे वरके खुले हुए ने जिवें कुरान दे वरके खुले हुए ने सुभान अल्लाह। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया इधर तेरे ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहतर हुई है और हजरत अबू बकर सिद्दीक इजाजत लेके चले गए ने अपने मकान के अंदर करीबी मकान है। इधर आम गुजरते जाते ने इधर मेरे आका दी फिर तकलीफ च इजाफा हो जाता है। प्याला पानी का कोल पिया है उनके मेरे आका हाथ दाखिल कर देने अपने चेहरे पाक दे फेर देने ते नाल जड़े अल्फाज आखे ने तू ही पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह। ना मेरे सोने नबी फरमा रहे ने हाय मौत दियां सख्तियां बड़ियां ने मौत दियां तकलीफां बड़ियां ने अल्लाह तेनू ते मैनू भी आखरी वक्त विच कलमा पढ़न दा तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह कलमा पढ़न का मौका नसीब फरमाए। मेरे आका पढ़ते जाते ने ला इलाहा इल्लल्लाह। हैदर हजरत अबू बकर सिद्दीक दे बेटे अब्दुल रहमान बिन अबी बकर कमरे में दाखिल होंदे ने हाथ में मिसवाक बड़ी है ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा पाक अम्मा आयशा सिद्दीका दी गोद में रखे आए। अल्लाह अकबर कबीरा। ते मेरे आका ने मिसवाक वाले इशारा फरमाया अम्मा जी आयशा सिद्दीका ने वह मिसवाक लईए सुने पैगंबर दे मुंह विच पाईए वह मिसवाक चबाई नहीं गई। अम्मा जी ने दोबारा मिसवाक नबी पाक दे इशारे नाल अपने मुंह विच पा के नरम करके नबी पाक दे मुंह विच पाईए। ऐ अम्मी नू बुरा न तेरा ईमान नाल तालकीए। अल्लाह अकबर कबीरा। ते आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने अल्लाह तेरे मेरे ते बड़े एहसान ने मेरे ते बहुतान लगा ऐसा मरियम अलैहा सलाम ते भी बहुतान लगा। उदो बच्चा बोल के आंदा कौल इन्नी अब्दुल्लाह। मरियम अलैहा सलाम ते बहुतान लगा बेटा गवाही देंदा अम्मा आयशा सिद्दीका ते बहुतान लगा ते सारी कहना दा परवरदिगार बोले आए।
سبحانک ھذا بہتان عظیم کی شان دساں امیہ شادی جدی شان دے وچ قرآن آیا او جندے در اقدس تے چل چل کے او جبریل وی کرن سلام آیا او بیٹی پیارے صدیق دیے انہاں دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنا تن من دین تو ایسی محبت او جنا تن من دین تو وارے نے اللہ تیرے عائشہ تے بڑے احسان نے جدو بہتان لگا تسی بولے اج نبی پاک دا دنیا تو جان دا ٹائم آیا ہے گھر وی میرا گود وی ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੋਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹੀ ਮਸਵਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਸਵਾਕ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿਦੀਕਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿਦੀਕਾ ਤੈਬਾ ਤਾਹਰਾ ਮੁਜ਼ਕੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ کہ سونے نبی بار بار پڑھتے جا رہے ہیں لا الہ جن کا ایمان بولے میں اتنے دعا کرنی ہے تا بلایا لا الہ آخو لا الہ مسجد گونج جائے تیری گواہی پہ جائے لا الہ لا الہ جتھے جتھے موت بھگت آئے اللہ تینو میرو لا الہ الا اللہ پڑھن دا موقع نصیب فرما مرنا چ کہ نہیں بولو اے موت نبیاں دی توہین ہے بولو اے قرآن توہین واسطے آیا کہ عظمت بیان کرنے واسطے ملوانے ہو کھیر دی پلیٹ پیچھے آدھے نبی پاک فوت ہی نہیں ہوئے آپ موت ہی نہیں آئی او بھابیو تانوں کی پتا ہوئے میں کیا تینوں کی پتا ہوئے تینوں پتا نہیں تو قرآن کھولے ہی نہیں تے وہابی تے ہے ہی قرآن نہیں بولے رات ساری نیند خراب ہوئی ہے ڈیگاں دی آواز سن سن کے تے میرے ہمسایا نے کوئی کمی نہیں چھڈی ہیں تے کوئی گل نہیں اللہ نے برداشت کا مادہ بھی رکھے ہے یہ بھی طریقہ سیکھے تے نبی پاک کو سیکھے آؤ فیصلہ کر کے جاؤ قرآن نبی دی کی بیان کرد ہے شان بیان کرد ہے عظمت بیان کرد ہے رفعت بلند ہے رفعت بلندی بیان کرد ہے قرآن تے آئے شان واسطے وے تے موت کوئی بری چیز چاہتے ہو نا اللہ نو ویکھیے چاہتے ہو تے وی حدیث نبی پاک دی سنان لگا تے اللہ تانوں نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرما آخیا جی آف جی کدھر ٹر گئے گل مکنی اتھی سی جیڑا بندہ نماز پڑھتا پڑھتے ہو نا اندر تو بعد آیا تل کرسی پڑھتا پھر کتنے جائے گا بولو آخو انشاءاللہ جنت میں جائے گا جدو جنت میں جائے گا ساریا نعمتاں ایک پاسے پڑھتے ہٹ جان گے چہرہ پروردگار دا نظر آئے گا ساریاں نعمتاں ایک پاسے اللہ دے چہرے والی زیارت والی نعمت بولو آؤ ہن سنو تواڈے تے میرے پیغمبر جناب محمد آقا لیٹے نے آپ دی بیٹی فاطمہ تو زہرا آئیاں آن کے آندیاں نے وا قرابا ابا جی دی تکلیف فرمایا بیٹی اج تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفیں مک جان گیاں اپنی بیٹی نو قریب کیتا تے میرے آقا فرماندے نے بیٹی میں جان والا تے بیٹی دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے نے
ते मेरे आका ने बेटी नू फिर करीब कीता, बेटी अल्लाह तेरी मेरी मुलाकात जल्दी करवा देगा। बेटी दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई ते अम्मा जी ऐशा सिद्दीका पुछ दिया ने, बेटी फातिमा दसना रात वाली गल नबी पाक ने तेरे कन विच केड़ी कीती है। बेटी आंदी मैं अपने अबू दा रात नहीं दसांगी जदों दुनिया तो मेरे आका चले गए। हाय माँ ने फिर बेटी नू पुछया ते बेटी ने दस दिता कि अब्बा जी कह रहे सन कि मैं दुनिया तो जाण वाला, मेरी अखा ने आंसू आ गए। नबी पाक ने दोबारा बेटी तेरी मेरी मुलाकात जल्दी हो जाएगी। मेरे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई, मेरे आका कोल बैठिया ने सईदा फातिमा तो ज़हरा और हसनैन करीमैन भी आए। मेरे आका ने प्यार नाल अपने नवासियां नूं अपने करीब कीता। इधर दरवाजे ते दस्तक हुई है, हाय जबरील अंदर आ गए। सोने आज मैं कल्ला नहीं आया, आज इज़राइल भी आया। इजाजत दोगे ते अंदर आएगा, इजाजत दोगे ते अंदर आएगा। ये नबियां दा खासा है, आम बंदे दा खासा नहीं। इज़राइल बगैर इजाजत तो अंदर नहीं आ सकता। ते हजरत फातिमा तो ज़हरा फरमांदियां ने, अबू जान बाहर कोई पता नहीं सहाबी आया कोई अराबी आया। ते मेरे आका फरमांदे ने, मौलाना ने इस अंदाज अंदर नकल फरमाया, बेटी प्यारी दिल दा टुकरा हेरा बिनाई, यतीम जो करदा बाला अज करन तो सानू आया। यतीम जो करदा बाला अज करन तो सानू आया। हसन हुसैन आयान आ मेथो ओ जुदा करावन आया, ओ मौत प्याला पिलावे सपना अज मीनू पिलावन आया। आबाद को निंदा है कबरां ओ शहर कराव जाड़े, लावे सबना अज मैनू पिलावन आया। अज है शाह हफ्सा ज़ैनब ताई ओ देवा कर दिखलासी, अज है शाह हफ्सा ज़ैनब ताई ओ देवा कर दिखलासी। अज तेनू मैनू बेड़ी प्यारी ओ वख बठावन आया। बेड़ी दी मुहब्बत है ये, अब्बा जी नू बड़ी तकलीफ है। इधर मेरे आका ने अल्लाहुम्मा फिरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा फिरली वरहमनी बिरफीकिल आला, अल्लाह मैनू मुआफ़ कर दे, अल्लाह मेरे ते रहमत फरमा दे, अल्लाह मैनू रफीक आला विच पहुँचा दे। ओ आला रफीक केड़े ने, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जमात, सिद्दीका दी जमात, शहीदां दी जमात, सालेहीन दी जमात, ओ इनाम याफ्ता लोगों दी जमात। अल्लाह तेनू मैनू भी मौत आए ते अल्लाह नेका विच मिला दे। सिरात अल्लादीना अनअमता, उची आखो फातिहा पढ़ने वाले कौन ने? अहले हदीस। सिरात अल्लादीना अनअमता अलैहिम, जिन्ना ते इनाम किन्ने कीता है? अल्लाह सानू नेकां विच मिलाए, अल्लाह सानू नेकां विच मिलाए, अल्लाह सानू नेकां विच मिलाए। मेरे आका कह रहे हैं अल्लाह मैनू अंबिया विच मिला दे, सिद्दीकां विच मिला दे, शहीदां विच, नेक लोगां विच। अल्लाहुम्मा फिरली वरहमनी
ਬਿਰ ਰਫੀਕ ਅਲ ਆਲਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਦ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਯਾ ਯਾ ਤੂ ਅਨਸੁਲ ਮੁਤਮਾਇਨ ਯਾ ਯਾ ਤੂ ਅਨਸੁਲ ਮੁਤਮਾਇਨ ਇਰਜਈ ਇਲਾ ਰੱਬੀ ਕੀ ਰਾਜ਼ੀਅਤ ਮਰਜ਼ੀਆ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਪਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਆਨੀ ਆ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਬਾ ਵਿੱਚ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਦੀ ਵਫਾਤ ਕਿੱਦਣ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੁਖਾਰੀ ਉਠਾਓ, ਮੁਸਲਿਮ ਉਠਾਓ, ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਉਠਾਓ, ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਉਠਾਓ, ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਉਠਾਓ, ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਉਠਾਓ, ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਠਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਚਾਸ਼ਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਗਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਕਲ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਇਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇਰਾ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਜਲੂਸ 4 ਇਮਾਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਬਾਨੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਲੂਸ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਣਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਕ ਹੈ ਹੱਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਇਹ ਤਣਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤਣਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ, ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੂਤੀਆਂ ਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਖੋਗੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਆਖੋ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਆਖੋ ਨਾ ਅੰਦਰੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਲਓ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਚਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸੋਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਬ ਸਮਝਣਾ। ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿਲਾਹੀ ਉਸਵਤੁਨ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਅਪਣਾਓ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਅਪਣਾਓ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਈਏ, ਅਮਲ ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਖਬਰ ਸਿਹਾਬਾ ਤੱਕ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉਮਰ ਬਿਨ ਮੁਗਾਲਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਏ,
जदों खबर गई ते तलवार कढ़ लईए। खबरदार जिन्हें आख्या मुहम्मद फौत हो गया, मैं उंदी गर्दन उड़ा देंगा। रज़ी अल्लाह तआला नूं कोई मामूली शख्सियत नहीं, जिन्हां नूं गलती लग गई है, गलती तेनू भी लग गई है, पर बेहतरीन खताकार हुंदा है जड़ा अल्लाह कोलो रुजू ते तौबा कर लैंदा है। ऐ जे मसला हल होण लगा, आ मसला इंशाल्लाह हल होएगा। बच्चे भी आए ने, मावां बहना बेटियां भी ने, आ तुहाडे ज़हन ते आ मौजू छप जाए, तुहाडे ज़हना ते मुनक्किश हो जाए। अपने बच्चों को सुनाया करो। उमर बिन खताब कहते ने जिन्हें आख्या नबी पाक फौत हो गए ने, मैं गर्दन उतार देंगा। ते हालात 12 रबीउल अव्वल ने ऐसे बन गए ने, सहाबा जड़े ने गम दी हालत दे अंदर डावांडोल हो गए ने। इधर खबर गई है यारे गार अबू बकर, हाय हाय हाय, जेड़ा अकीदा अबू बकर दे ओ अकीदा अहले, जेड़ा अकीदा अबू बकर दे ओ अहले। अबू बकर आए एवं सारे सहाबा दा नबी पाक ने इमाम नहीं बना दिता, जिंदा अबू बकर कल्ले दा ईमान एक पासे ते सारे मोमना दा ईमान, जिन्हें मारा खा खा के आख्या सी आता कुतलू ना रजुलन अयकूला रब्बी अल्लाह, मार खादी है ते नबी पाक दे अगे खड़ा होया। जिन्हें गार विच भी साथ छोड़िया नहीं, आए पता लगा के सोने नबी फौत हो गए ने। आप दी चार पई पई है, उते यमनी चादर भी पई है। अबू बकर ने पीछे की पेशानी ते बोसा दिता ते नाल फरमा रहे ने, सोनिया तुसी अपनी जिंदगी विच भी पाक ते मौत तो बाद भी पाक। फिर मिंबर ते आए ने, मस्जिद नबवी विच आए ने, मिंबर ते आए ने ते खड़े ने। ऐ अल्फाज बुखारी दे पढ़न लगा, अबू बकर ने खुतबा इरशाद फरमाया, मन का ना मिन कुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना मुहम्मदन कद मात, व मन का ना मिन कुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तो नाल फरमा रहे ने, व खलत मिन काबल हिर रसुल अफाइमाता कुतिलन कलब तुम अलावा काबिकुम वमैयन कलिब अलावा के बई फलैया जुर्रल्लाह शैया वसाया जदिल्लाह हुशा केरी। अबू बकर ने की पढ़े ते गलत फहमियां, उची बोलो गलत फहमियां। आज वे कुरान सुन ले, अबू बकर मिंबर ते खड़े हो के कह रहे ने, जड़ा तुहाडे विचो मुहम्मद इबादत करदा सी उंदा रब फौत हो गया, ते जड़ा अल्लाह दी इबादत करदा सी उंदा रब जिंदा ते हमेशा। ते नाल फरमा देने, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, अल्लाह दे नबी मुहम्मद किंदे रसूल ने, अल्लाह दे नेंदे तो पहला भी रसूल आए, अल्लाह ने उन्हां नूं भी हमेशा इत्थे नहीं रखिया, उन्हां नूं भी मौत दे पैगाम आए। ये कदों आयत नाजल हुई है, तेरे ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने उहद अंदर ने मेरे आका ते ज़ालिम ने हमला कर दिता है। आपने लोहे का लिबास पहने हैं, उंदियां कड़ियां टुट के चेहरे पाक विच खुब जांदियां ने, मेरे आका बेहोश हो के गले विच गिर जांदे ने, और मेरे आका नूं होश आया,
इधर अफवाह फैल गई है मुहम्मद नू शहीद कर दिता गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने तलवारां सुट दित्तियां ने, कहन लगे नबी पाक दुनिया ते नहीं रहे, शहीद हो गए ने, असा लड़ाई करके की करना है, जंग करके की करनी है। ये जदों हालत पैदा हुई आसमान तो अल्लाह पाक ने कुरान नाजल फरमाया, अगर मुहम्मद शहीद हो जान या फौत हो जान, क्या तुसी अपनियां एड़ियां ते पैरां ते इस्लाम तो फिर जाओगे? जड़ा इस्लाम तो फिरेगा उन्हें नुकसान अपना कीता है, अल्लाह दा नहीं नुकसान कीता। फलैया सुरल्लाह शैया वसाया जदिल्ला केरी अल्लाह बड़ा कदरदान है, जड़े इस्लाम ते मजबूत रहंदे उन्हां दी कदर कौन करेगा? इस्लाम ते कैम हो, बोलो सारे इस्लाम ते। दीने इस्लाम पसंद जे के जश्न पसंद है, सालगिरह बरसियां इस्लाम है, जड़ा अज तो बाद सालगिरह दा केक खाए की होवे, जड़ा खाए ओहो ही होवे। ऐ कह लिए ना गो साहब ला लिया जे, शर्म करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर तुहाडे ते की सलाम आया, नमाजी भी मस्जिद दा होए, बने भी आले हदीस, आ केक कटे है जी, की कटे है बोलो। मैं नहीं, बरेलवी उलमा नूं मैं खराजे तकसीन पेश करना, उनकी जुरत नूं सलाम करना। उन्हें आख्या तेनू शर्म ना आई, बरेलवी उलमा दे लफज ने कि थले ली है मुहम्मद और रसूल्ला, उत्ते छुरियां चला रहे, थले खाना काबा बने, मस्जिद नबी दी खाका ते तस्वीर बने, उत्ते छुरियां चला रहे हैं। ऐ जी नबी पाक दी वलादत दा की कटिया है, शर्म करो, की करो, आखो तुहाडे नाल ते ख्वाजा आसिफ चंगा सी, उन्हें की आख्या शर्म करो ते, आखो आखो शर्म करो ते। इन्हां नूं शर्म दवानी चाहिए कि नहीं? कल मेरा एक करीबी दोस्त ही, उन्हें आख्या भाजी केक कटना है, नाले तुसी खिताब कर लिया जे, मैं ना मैं उत्थे खिताब करना ना, आखो मेरिया भी दोस्तियां हैं, मैं नहीं पसंद। राजक कौन है? एहो जिहा केक पसंद वो धोखे एक ने धोखे ना किसी खुआते तो बाद चो उन्हें दसिया, बाद विचों आंदा जी आज जिहड़े तुह खाधे ना बिरयानी दियां दो बोटियां, ये ओहो सन, समझ गया ना, इन्दे तुसीं समझ जांदे हो। ते मैनू अबू बकर सिद्दीक याद आ गया, उन्होंने भी दुध पिलाया गया, पिलाण वाला कहिंदा पता जिहड़ा पी लिया जे कहिंदा दुध सी, मैं नजूम पुणा करदा हटे वे टूवे लांदा सौंदा दुध लैके आया पैसों का। अबू बकर ने उंगली रखी ते दुध बाहर सुट दिया, कहन लगे मैनू ये पसंद, असी भी उंगली रखी दे चौ शरीफ, अल्लाह इहो जिहा खाणिया तो बचाए, बचोगे? यार बिस्मिल्ला पढ़ के तुहानू कोई इतमाद ते यकीन नहीं, नाम किंदे दी चीज़ खानी चाहिदी है? जड़ा अल्लाह वाला है वो बोले, जड़ा नहीं बोलता ना बोले, नाम किंदी चीज़ खानी चाहिदी? अल्लाह रस्म तो बचाए, रवाज तो बचाए, सालगिरह तो बचाए, बचोगे ना? मैनू तुहाडे ते खदशा तां बार बार पुछना, इन्हां बरसियां तो बचाए, अपने खाने आराम कर दे, अपनी बीवी नू दावत खिलाओ, अपने बच्चियां नू खिलाओ, अजीज़ो अकारम नू खवाओ, ते कीड़ा नाम लैके त्योंदे तो कोई वक्त मुतय्यन है क्या? बारह नू खाना दे, दस नू खाना, तेनू शर्म ना आई? जिद्दल फातिमा तो जहरा रो रही है, सहाबा दियां अखां विच आसुआं दियां लड़ियां बजियां होईयां ने, अबू बकर ऐलान कर रहे ने वमा मुहम्मदुन, उची आ दिया सुभान इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रुसुल, पहले भी रसूल आए सन, सुने अगर तुसी फौत हो जाओ। अबू बकर ने कुरान पढ़े,
उम्र दे हाथ विच तलवार डिग पई है, आप भी खड़े नहीं रह सके, जमीन ते गिर गए ने। सारिया गलत फहमियां किन्ने दूर कीतिया, ऐ जिन्नू छड़े आ जे हलवियां ते पढ़दे जांदे हो। एक मौली साहब तकरीर विच कह रहे ने, मोबाइल ते आया आंदा कुरान ना पढ़िया करो, इहदा तर्जमा ना पढ़िया करो, तर्जमा तर्जमा। उन्होंने पता है जिन्हें कुरान पढ़ लिया तर्जमा पढ़ लिया की बनेगा? अहले हदीस अहले हक बनेगा। सानू तो जोर लाने की लोड़ ही कोई नहीं, जाओ कुरान जाके पढ़ो, ऐत पढ़ो, हाँ जाके वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रसूल अफा इम्माता कुतिला कलबतुम अला आकाबिकुम वमन यंकलिब अला अकिबैहि फलन यसुरल्लाह शैया वसयजज़िल्लाह शाकिरीन। अबू बकर ने कुरान पढ़िया, गलत फहमियां दूर हो गई ने, उम्र आते ने मेरिया लत्तां विच ताकत नहीं रही, गम दे ऐसे हालत ने। अम्मा जी फातिमा तो जहरा फरमांदियां ने, अब्बा जी दी वफात दा इन्ना गम है कि अगर ये गम दिना ते पैंदा ते दिन भी रातां बन जांदियां, अगर पहाड़ा ते मैं रख दी पहाड़ उड़े दारे जा हो जांदे। सईदा फातिमा तो जहरा ऐसा वेला भी आए, मेरे आका नूं गुसल देण दी वारी आई है। सहाबा कह रहे ने नबी पाक दे कपड़े उतारिए के ना उतारिए, इंज करके खैबी अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया। सहाबा उते नींद तारी हो जाती है, गैबी आवाज हुंदी है नबी पाक दे कपड़े ना उतारना, सुभान अल्लाह। और नबी पाक नू कपड़िया समेत गुसल दिता गया, हजरत अली ने कंधे नाल लाए, आपका गुलाम सहाबी पानी पा रहे है, गुसल दे दिता गया है। और तीसरा फिर इख्तलाफ पैदा हुआ है कि नबी पाक की कबर किथे बनाई जाए, ते अबू बकर सिद्दीक बोले, कौन बोलिया कि नबी पाक कोलो मैं सुनिया सी नबी जिथे फौत हुंदा उथे ही, जिथे फौत हुंदा उथे ही, ते ओ केड़ी जगह है? अम्मा ऐशा सिद्दीका दा हुजरा मुबारक। और जिंदे बारे नबी पाक ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौसतुम मिन रियाज़िल जन्ना। अल्लाह ने दुनिया थे उस जगह नु जन्नत दा टुकड़ा बना दिता, सुभान अल्लाह। आप दी कबर मुबारक कड़ी गई लहद वाली तैयार की जाती है, और नबी पाक नू कबर विच उतारे आ गए, उपे मिट्टी पा दी गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फातिमा तो सहरा खड़िया ने आ फरमादिया ने, वे अनस बिलाल तेरा किवें दिल कीता मेरे अबू ते मिट्टी पान दे। वे अनस बिलाल नबी दे ओ यारो तुसी नबी किते छड़े आए, ऐसे सोने मुखड़े क्यों कर अंदर खाक छुपाए, तुसी ते है सो पाक नबी तो ओ जानवर वाले, फिर दसो क्यों यार यार अंदर खाक छुपान दे। ओ सुन सुन जारी जिक्र नबी थी अखानी रबावन, हो लाचार तमामी अगो ये जवाब सुनावन। ओ वस न रह गया कुछ साढ़े, गौर कर ले गौर कर ले, ओ वस न रह गया कुछ साढ़े वरत गई तकदीर, होश हवास गुम हो गए ओ भुल गई तकरीर, इदाज
यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसबिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहू इन्नहु काना तव्वाबा। ओ सोना नबी हाय खाक अंदर मट्टी अंदर चले गए ने, लेकिन अल्लाह पाक ने उस मट्टी नू उस कबर नू ऐसी अज़मत अता फरमाई है कि मेरे नबी पाक ने अपने जिंदगी पाक अंदर फरमाया, अल्लाह मेरी कबर नू सजदा गाह ना बनाना, अल्लाह इत्थे मेला ना होए, इत्थे उरस ना होए। मेरे आका ने दुआवां फरमाईया ने, अल्लाह पाक ने अज पहरेदार खड़े कर दिते ने कि नबी पाक दी कबर ते कोई सजदा नहीं कर सकता, नबी पाक दी कबर ते कोई दीवा नहीं जला सकता, और नबी पाक दी कबर ते कोई चादर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि मेरे आका ने जिंदगी पाक अंदर फरमाए लान अल्लाह यहूदा वन नसारा इतहलू कबूरां दिया इहिम मसाजिद। अल्लाह यहूदो नसारा ते लानत करे जिन्हें अपने नबिया दिया कबरां नू सजदा गाह बनाया, नबिया दिया कबरां ते सजदा कीता। इधर नबी पाक दी दुआ नू अल्लाह पाक ने कैसा कबूल फरमाया, जड़ा नेड़े हुंदा ओनू की पैंदे ने पिछे हट जा पिछे हट जा पिछे हट जा। अज उस कबर दियां इफातां कौन कर रहा है, और दुनिया ते जदों सब तो पहला कबर खुलेगी ते सोने नबी दी खुलेगी, और नबी पाक निकलेंगे, और अल्लाह कयामत वाले दिन उन्हां दा साथ नसीब फरमाए। अगला जुमा इंशाअल्लाह रहमान मुहब्बत रसूल हा सैयदुल बशर ते होएगा कि सारी कायनात दा सरदार अल्लाह ने बनाया ते मुहम्मद रसूलुल्लाह नु बनाया, और जो बयान कीता अल्लाह तेनु मैनु अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए, अपनी मौत याद रखन दी तौफीक नसीब फरमाए, नबी पाक दी सीरत अपनान दी अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।